हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल पे आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है। कमाल यह है कि एक ऐसा रिजल्ट जारी किया है जो कि 9 साल बाद आया है, और उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनकी मैं डेट ऑफ बर्थ आपको दिखा सकता हूँ, किस डेट ऑफ बर्थ तक के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। मतलब उनके पास बस एक थोड़ी सी नौकरी बची है कि हाँ, मैंने जीवन में नौकरी की है। ऐसा हाल हो गया यूपी ट्रिपल एससी का। आप में से भी जो लोग यूपी ट्रिपल एससी की इस प्रक्रिया से बहुत परेशान हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कोई भी भर्ती आती है, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल में रिजल्ट आ रहा है। कोई बच्चा फॉर्म भरता है तो उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे तैयारी करने वाले हो जा रहे हैं और भर्ती कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ कौन सा रिजल्ट है। वन विभाग की भर्ती थी एक, उसका रिजल्ट है। यूपी ट्रिपल एससी ने शुरू करी थी 2015 में, और जिसका इंटरव्यू वो करवा पाए 2024 में, और उसका परिणाम अब जारी हुआ है। जो लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं वो मेरे चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल चैनल है। आइए देखते हैं रिजल्ट कैसा है। आप देख सकते हैं ये वो रिजल्ट है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का रिजल्ट है। दिनांक 30 सितंबर 2024, आयोग की विज्ञापन संख्या 15/2015 के अंतर्गत प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सर्वेयर की विज्ञप्ति 29 पदों के सापेक्ष चयन है। साक्षात्कार दिनांक 4/3/2024 से 7/3/2024 तक आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया था। मतलब 2015 की भर्ती है और 2024 में इसका इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। इसके बाद अनारक्षित 14, अनुसूचित जाति के 9, अनुसूचित जनजाति के आयोग और पिछड़े वर्ग के 5 अभ्यर्थियों को जो है इसमें सेलेक्ट किया गया। तो अब ये रिजल्ट से संबंधित एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ ये रिजल्ट से संबंधित रोल नंबर, जो 29 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि श्रेणीवार अगर देखें तो अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी में जो लोग हुए हैं 16, ठीक है, उनके 16 नंबर आए थे इंटरव्यू में और उनकी तिथि है 95। अनुसूचित जाति में जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी है 90, अनुसूचित जनजाति में है 95 और अन्य पिछड़ा वर्ग में है इनकी डेट ऑफ बर्थ है 92। तो भैया जिनकी 90 है उनकी उम्र अब काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है, और उन्होंने जब ये फॉर्म भरा था तो उस समय उनकी उम्र आज से 9 साल कम, यानी बिल्कुल यंग एज में थे, और अब शादी हो गई होगी, बच्चे हो गए होंगे और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें मोस्टली जो कैंडिडेट हैं इन सबकी फॉर्म भरने से अब तक नौकरी लग चुकी होगी, नौकरी नहीं लगी होगी, शादी ब्याह बच्चे हो गए होंगे और ये भूल गए होंगे कि हमने कोई फॉर्म भरा था। फिर 2024 में अचानक बुलाया जाता है कि आपका इंटरव्यू है, ठीक है, और इंटरव्यू में आप नंबर देख सकते हैं 16, अनुसूचित जाति वालों के 12, अनुसूचित जनजाति 15 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 नंबर इंटरव्यू के नंबर हैं और इसके आधार पर चयन किया गया है। इसके बाद बाकी श्रेणियों में भर्ती उपलब्ध नहीं थी, जिन श्रेणियों में थे मैंने आपको दिखा दी। तो भैया अगर आप 22-25 साल के हम फॉर्म भर रहे हैं तो आप 35 साल तक मान लीजिएगा। अभी तो इनका सिर्फ रिजल्ट आया है, अभी तो इनकी ज्वाइनिंग में इन्हें देखिएगा कितना समय और लगेगा। मतलब कि ज़िंदगी का एक बड़ा पड़ाव जवानी में जो हमें नौकरी की ज़रूरत होती है वो पूरा निकल जाता है केवल एक नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में, यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है। अगर कोई बड़ी भर्ती आती है, बड़े आंदोलन होते हैं, तो वो भले ही 1.5-2 साल 3 साल में पूरी हो जाए, छोटी मोटी भर्ती को तो एकदम मानते ही नहीं है कि कोई भर्ती है, ऐसा सोचते हैं खाली समय में देखा जाएगा, इसका रिजल्ट बना देंगे। तो आप लोग जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ रेलवे में, एसएससी में अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ट्राई करें कि हो जाए, क्योंकि केवल इसके भरोसे बैठना ठीक नहीं है, कोई भी भर्ती कभी फंस जाएगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी भी आरओ का पैटर्न चेंज हुआ है, तो लोग आप देख सकते हैं क्या पैटर्न आया, और इस पर मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ, अगला वीडियो, कि आरओ का एग्ज़ाम पैटर्न जो एग्ज़ाम दिसंबर में लगा है उसका चेंज किया गया है अभी, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो देखेंगे और आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी कितने गलत तरीके से काम कर रहा है। 4-4, 8 साल, 10 साल, 20 साल भी कर देगा कोई भर्ती तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जहाँ हो सके अच्छी तैयारी है, रेलवे में, एसएससी में या बैंक में, किसी अदर डिपार्टमेंट में भी, आप डिफेंस में या पुलिस में जा रहे हैं तो आप जाएं, केवल इस बोर्ड के भरोसे ना बैठें, मेरे कहने का मतलब ये है। वैसे मैं इसी बोर्ड से रिलेटेड सभी भर्तियों के वीडियो बनाता हूँ, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के सदस्य बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।